बस जैसे मैं ख्याल रखता था इसका वैसे ही तू ख्याल रखना, क्योंकि मैं इस बाइक से यार बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने आज तक पता नहीं कितनी ट्रिपें इस पर लगाई हैं अच्छे से सेफली मज़े से। आज से बाइक तेरी हुई तो खुश रहा, बस आराम से चला। जब मैं फर्स्ट टाइम भद्रवाह गया था ना, इस बंदे ने मेरे को उस टाइम बोला था कि ये बाइक मुझे दे देना, सो फाइनली आज ये बाइक तेरी हुई भाई, ये ले चाबी। तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है भाई सीधा गाड़ी से। तो अभी अभी नींद से उठकर आया हूँ मैं, अभी टाइम हो रहा है 7 बजे के करीब कुछ। आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अपना काफी जल्दी, और कल ईद थी भाई, इतना ज्यादा थक गए थे ना घूम घूम के, कभी कुछ और इतने सारे काम थे वो सारे फिनिश किए, रात को लेट सोए और अभी सुबह जल्दी उठना पड़ा। आज दो बैड न्यूज है भाई। एक बैड न्यूज ये है कि आसिफ जा रहा है वापस, अभी मैं जा रहा हूँ उसे छोड़ने एयरपोर्ट। और दूसरी बैड न्यूज है उसके बाद मुझे बुलबुल को अपने घर से आज भेजना है, तो जिस भाई ने लेनी है उनको भी आज मैं दिखा दूंगा तुम्हें। तो आज वो बाइक लेने आ रहे हैं, वो अपने घर से निकल चुके हैं भद्रवाह से, तो जैसे ही वो जम्मू पहुंचेंगे उनके हाथ में अपनी बाइक दे दूंगा, तो फिर मैं रह जाऊंगा भाई अकेला। तो बाइक की भी काफ़ी याद आएगी, आसिफ की भी काफ़ी याद आएगी। तो थोड़ा सा आज का दिन थोड़ा सा ना इमोशनल रहने वाला है, तो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है, कब तक वो पहुंचते हैं बाइक लेने, तो क्या सीन रहता है पूरे दिन का आज का व्लॉग में बने रहो। अभी मैं पहुंचने वाला हूं भाई आसिफ के घर। सो फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं भाई आसिफ के घर, अभी यहां से निकलेगा वो, गाड़ी में बैठेगा और यहां से निकल जाएगा भाई। सो फाइनली गाइस अभी पहुंच चुका है भाई आसिफ, जा रहा है वापस। दुख तो नहीं लग रहा कुछ? तकलीफ हो रही है जाने में? मन कर रहा है जाने का? बिल्कुल नहीं, रुक जा, अभी शाहरुख खान को बोल के फ्लाइट कैंसिल करवा देते हैं। तो भाई अभी हम जा रहे हैं भाई एयरपोर्ट की तरफ, बिल्कुल इमोशनल हो गया इधर, रो रहा था घर वालों के साथ गले लग लग के, मुझे नहीं जाना। तो चलते हैं अभी इसको छोड़ते हैं वहां पे, और फिर अपनी बाइक उठाते हैं। आज बाइक लेने भी आ रहा है वो, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, जाके बाइक वॉश वगैरह करवाते हैं और फिर देखते हैं क्या सीन रहता है। A few moments later. सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं भाई एयरपोर्ट में, लड़के का सामान निकालते हैं बाहर और इसको फ्री करते हैं। ये भाई कुरेशी की जैकेट पड़ी है बीच में जब हम कैंपिंग में गए थे। ओ भाई सामान है पता है मुझे, चल भैया चले फिर, बाय बाय, टेक केयर। याद तो नहीं करेगा? तेरी याद आएगी, मैं इतना वेला हूं। उस तो नहीं करेगा ना? नहीं पता है मेरे को, तू करेगा जाते कॉल करेगा। चल ठीक, मैं आऊंगा 2-3 दिन तक। हाँ बाय बाय, ठीक है कॉल करना, ठीक है ओके बाय। चलो भाई अभी निकलते हैं भाई, अभी निकलते हैं हम वापस, तो जाकर अपनी बाइक रेडी करते हैं देने के लिए, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जाके अपनी बाइक रेडी करते हैं देने के लिए। वाओ चलो। Two hours later. So fine guys, ये रही अपनी बाइक, ये रहा मेरा छोटा भाई, कजन मेरा ईद पे आया है, गोलू मोलू। तो ये रही अपनी बाइक जो कि फाइनली आज घर से जा रही है। क्या बताऊँ इस टाइम क्या सीन चल रहा है दिमाग में, क्या आ रहा है दिल में, क्या नहीं, बाकी सारी बातें करते हैं भाई रास्ते में, कहाँ पे दे रहा हूँ बाइक, कहाँ आ रहा है भाई लेने, कहाँ नहीं, चलो बाकी बातें करते हैं भाई रास्ते में। सो फाइन गाइस, आज जो सुबह सुबह बारिश हुई है ना, उसकी वजह से मौसम इतना ज़्यादा प्यारा हो गया, बट बारिश होने की वजह से ना गर्मी बिल्कुल भी नहीं गई, गर्मी वैसी की वैसी लग रही है अभी भी मुझे जैसे पहले लगती है। हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा हुआ है, तो अभी मुझे जाना है यहाँ से घूमट वाली साइड, बस स्टैंड वाली साइड, वहाँ पर भद्रवाह से आया भाई अपना बस में, तो यहाँ से वापस जाएगा अपनी बुलबुल लेके। क्या बात है, हाँ भाई किस्मत वाला है भाई, अपनी बाइक के साथ बहुत सारी यादें हैं जो कि आज ख़त्म होने वाली हैं, बस यादें ही बन के रह जाएंगी, और आज फाइनली अपनी बाइक चले जाएगी। काफ़ी सारे भाइयों को लग रहा था कि शायद भाई ने बाइक बेची नहीं है, व्लॉग में ऐसे ही बोल रहा है, बाइक तो इनके पास ही है। अभी मैं थोड़े दिन से बाइक चला भी नहीं रहा था, 3 दिन तो लगातार मेरे व्लॉग ही नहीं आए हैं, तुम सबको भी पता होगा मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ था यूट्यूब पर, तो उस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल रहा था, व्लॉग थोड़ा सा शूट किया हुआ था वो भी मिक्स करके डाला है, क्योंकि एडिट करने की भी हिम्मत नहीं थी इतनी ज़्यादा, और आज मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर ठीक हूँ अच्छे से, और आज अपनी बाइक की डिलीवरी किसी और को देंगे भाई, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है बंदा भाई।
जब मैं पहली बार भद्रवाह गया था ना, उस टाइम मेरी मुलाकात हुई थी तौकीर से, और उस टाइम उसने मेरे को बोला था जब भी बाइक बेचने का कोई भी प्लान हो तो प्लीज़ यार मुझे बता देना तो मैं ले लूँगा। तो वही सीन हुआ, जैसे ही मैंने मुँह से आवाज़ निकाली, व्लॉग डाला कि मैंने कि बाइक शायद बेच दूँ, तो उसी दिन उसने शाम को मुझे कॉल की कि बाइक जाएगी तो सिर्फ मेरे पास आएगी वरना कहीं और नहीं जाएगी। तो फिर मैंने भी मना नहीं किया, मैंने बोला कोई बात नहीं कर लेंगे। तो आज फाइनली अपनी बुलबुल है जो जा रही है घर से, बस थोड़ा बहुत काम है वो चेक करवा के, सर्विस वगैरह करवा के भाई निकल जाएगा यहाँ से वापस। बट एक सीन हो रहा है ना आरटीओ ऑफिस का, आज मंडे है भाई, ईद की हॉलीडे है ना, तो ईद की छुट्टी की वजह से ना आरटीओ ऑफिस बंद है, जिसकी वजह से आज एफिडेविट वगैरह कुछ भी नहीं हो पाएगा, उसका सीन बन रहा है थोड़ा सा। अभी देखते हैं क्या करना पड़ेगा उसका, अगर कोई हल निकल गया मैं कॉल करता हूँ, जिनसे मैं आरटीओ में हर बार काम वगैरह करवाता हूँ, गाड़ी के रिलेटेड कोई भी काम हो, तो देखते हैं भाई क्या प्लान रहता है। अभी भाई ने मेरे को बोला था कि मैं इस साइड रुकूँगा, पेट्रोल पम्प ये रहा, अभी कॉल करते हैं भाई कहाँ पे है। कहाँ पे खड़ा है? कहाँ पे गन्ने का जूस? अब मुझे क्या पता कहाँ बन रहा है, मैं सो फाइनली गाइज आ गया बंदा भाई बाइक लेने। क्या हाल है, अपना सेटअप वेटअप साथ लेके आया, देख रहे हो डेली व्लॉग होंगे अब? ओ बहुत गर्मी है अब। सो फाइन गाइज अभी बाइक को पिक कर लिया है, अभी चलते हैं भाई आनंद भाई के पास, बाइक चेक करवाते हैं। बट उससे पहले ना मुझे जाना है कहाँ पे, सादिक भाई के पास। एक्चुअली में जो बाइक का मड गार्ड है ना वो पीछे वाला, वो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये रास्ते में पूरा गंदा हो जाएगा, क्योंकि भद्रवाह वाली साइड ना बारिश होती रहती है और वो मिट्टी वाला एरिया है, और ये पूरा पीछे से भीग जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कोई भी प्रॉब्लम आए, तो वो सब फिट करके फिर इसको करते हैं फ्री, फिर चलते हैं घर। सिटी में हेलमेट डाल के बाइक चलाना सबसे गंदा काम है भाई, गर्मी में इतनी बुरी हालत हो रही है ना, मैं क्या बताऊं तुम्हें। सो फाइनली गाइस ये रहा अपना एफिडेविट, जो कि एक शॉप खुली थी ओपन, जब मैं बोल रहा था कि तुम्हें कि आज एफिडेविट वाला काम नहीं होगा, एफिडेविट साइन वगैरह हो चुके हैं। तो अभी भाई भी अपना व्लॉग शूट कर रहा है भाई, कांग्रेचुलेशन। तो भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना आप बुलबुल, लिंक डिस्क्रिप्शन में, हाँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तौकीर भाई के चैनल का, जिसको भी बुलबुल के व्लॉग देखने हैं तो भाई के चैनल पे जाके देखना, ख्याल रखना वरना मेरे सब्सक्राइबर गप्पे देंगे तेरे को। तो फाइन गाइस अपना आरटीओ वाला काम है जो वो 50% डन हो चुका है, 50% इसलिए क्योंकि जो एफिडेविट होता है ना, जो कि जब तुम बाइक दे रहे हो किसी को ना, वो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कल को कोई इसको भी वहाँ पे पूछेगा ना कि ये बाइक जम्मू नंबर की है, आरसी जम्मू नंबर की है, तेरे पास क्या प्रूफ है भाई कि तूने बाइक वहाँ से ख़रीद कर लाई है या फिर चोरी कर कर लाई है, जैसे भी कोई भी पूछ सकता है सवाल भाई, जो कि ये ज़रूरी है मेन चीज़। तो ये एफिडेविट उनको दिखा सकता है भाई, ये रहा एफिडेविट जब मैंने बाइक सेल की है, जब मैंने बाइक ख़रीदी है वहाँ से, तो उस टाइम मैंने ये बनवाया था। तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे तुम कहीं पर भी चले जाओ, ये आई थिंक 1 मंथ के लिए वैलिड होता है, 1 मंथ के अंदर ये अब कभी भी आ सकता है जम्मू वापस, और ट्रांसफ़र सेट बनवा के बाई फेस वहाँ पे सामने शो होकर, तो टोटली बाइक पूरी इसके नाम हो जाएगी। तो चलो भाई अभी चलते हैं भाई, जो लास्ट काम है अपना वो करते हैं और बाइक को फ्री कर देते हैं यार। ये देखो भाई व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, मेरी बुराई हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, खैर मुबारक। ये हमारे तौकीर भाई जिन्होंने मेरी बाइक ली है। तो ये वो लकी पर्सन है जिन्होंने ये बाइक परचेज की है भाई। सो बाय बाय बुलबुल, बुलबुल जा रही है, याद आएगी यानी क्या बोलते हो? तो भाई इस बाइक ने ना आपको बड़ा साथ दिया, उफ बहुत ज्यादा। जब ये टेपिंग करवा रहा था ना श्रीनगर में, उसने कहा भाई मैं बुलबुल लिखवा रहा हूं इसके ऊपर, तो ये आपको बोले मिटा दे। हां ये तो मिट जाएगा अब, ये मिटा दे, ये तो ये खुद मिटा देगा ये। लगाओ यार अब इसके ऊपर, देखो यहां पे लिख दे TH व्लॉग्स, इसको संभाल के रखना भाई, ठीक है? आपको बड़ी क्रीम थी, बड़ा साथ दिया इस बाइक ने, पता है बिल्कुल स्पेशल। जिस लास्ट टाइम इसका 2 बार टायर डलवाने के 22,000 का सिर्फ टायर इसका पीछे वाला भाई, तो देख रहे हो तुम टायर। वही मैं सोच रहा था, मुझे पता होता कि ये मैं बेच रहा हूँ, मैं टायर नहीं डलवाता। नहीं यार। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं भाई जहाँ से मैं अपनी KTM की सर्विस करवाता हूँ हर बार, होप की। सो फाइनली गाइस यहाँ पे अपनी बाइक की सर्विस है वो स्टार्ट हो चुकी है, ऑयल वगैरह चेंज हो रहा है, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, बट इसको लेट हो जाएगा, मैं वही सोच रहा हूँ। अभी इसका प्लान चेंज हो गया भाई जाने का, अभी आराम से सर्विस होगी। वो ऑयल बिल्कुल भी नहीं निकला भाई इससे, अभी मैं इसको बोल रहा था कि ये भद्रवाह से करवा सकता है सर्विस तो वहीं से करवा लेना, बट ऑयल ज़रा सा निकला ये देखो बस, और वो भी इतना गंदा
क्या बताऊं तुम्हें मैं। A few hours later. तो अपनी बाइक की ना लास्ट राइड है आज इस वाले रोड पे, सिद्रा वाले रोड पे, वरना डेली व्लॉग यहीं पे होते थे, बट आज यहाँ से निकल तो रही है, वापस नहीं आएगी। सो फाइनली गाइस ये व्लॉग करते हैं भाई यहीं पे एंड अपनी बाइक के साथ। तो अपनी बाइक जा रही है भाई भाई के पास, खुश है? खुश है? कोई बात नहीं मेरी जान, बस जैसे मैं ख्याल रखता था इसका वैसे ही तू ख्याल रखना, क्योंकि मैं इस बाइक से यार बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने आज तक पता नहीं कितनी ट्रिपें इस पर लगाई है, अच्छे से सेफली मज़े से आज से बाइक तेरी हुई, तो खुश रहे, बस आराम से चला। जब मैं फर्स्ट टाइम भद्रवाह गया था ना, इस बंदे ने मेरे को उस टाइम बोला था कि ये बाइक मुझे दे देना, सो फाइनली आज ये बाइक तेरी हुई भाई, ये ले चाबी। तो बाय 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 बुलबुल, तो आज के बाद अपना इस बाइक पे व्लॉग नहीं आएगा, तो इस रोड पे ये बाइक नहीं देखने को मिलेगी। तो ये व्लॉग करता हूँ मैं यहीं पे एंड, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन मेरी जान, टेक केयर, आराम से चलाना, प्यार से चलाना। तो बाय 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 बुलबुल राम।